24 का रन तीसरा चरण कोमल लगातार जारी है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मद्देनजर हम लगातार अपील भी कर रहे हैं निश्चित तौर पर। और देखिए आंकड़ा तो साझा कर ही रहे हैं और हम ये भी दिखा रहे हैं कि राजनीतिक दल इस वक्त क्या सोचकर बैठे हैं, क्योंकि परसेंटेज धीरे धीरे हम आपसे साझा करें। अब तक 3 बजे तक का जो परसेंटेज था वो हमने आपसे साझा किया है। और दिव्यांश, हम देख रहे हैं कि एमपी की 9 सीट्स हुई या छत्तीसगढ़ की 7, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण की वोटिंग है और ऐसे में हर राजनीतिक दल ये कह रहा है कि इस बार हम बदलाव करेंगे। बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी कह रही है कि हम ही सत्ता में रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, इस बार जनता का मूड बदल गया है तो सरकार भी बदलेगी। चुनावी सीजन में विपक्ष बदलाव की बात करता है, सत्ता पक्ष अपने कार्यों की बात करता है, सफलताओं की बात करता है और कुछ ऐसी तस्वीर और भूमिका इस वक्त हम सियासी गलियारों में लगातार देख रहे हैं। फिर चाहे वो बाहर मैदान की बात हो या फिर स्टूडियो में आए मेहमानों की मौजूदगी की बात हो, ये बहस लगातार जारी है और इस बहस के जरिए हमारी कोशिश यही है कि मतदान वाले दिन कांग्रेस हो या बीजेपी, जो वो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं या जो भरोसा और विश्वास जनता से जता रहे हैं, उसकी सच्चाई आपको तय करनी है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में पेंड्रा में भी मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट करने पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण का मतदान है और कोरबा लोकसभा के मरवाही विधानसभा के बसरवार गांव में मैं मौजूद हूं। ये केंद्र है जहां की सुविधाएं और व्यवस्थाएं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। केंद्र के ठीक बाहर स्वास्थ्य मितानिनों को इस तरह बिठाया गया है ताकि यदि कोई स्वास्थ्यगत कारण यहां पहुंचे और उसका कोई स्वास्थ्य खराब है तो यहाँ उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सके। लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए मतदाता किस तरह जागरूक हैं और सुबह से मतदान करने पहुंचे हुए हैं, ये केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं जहां आप देखिए बुजुर्ग महिला अभी वोट करके आ रही है और इसी तरह की तस्वीरें आपको यहां नजर आएंगी। पुरुष और महिलाएं दोनों तरफ बराबर लगभग कतारें हैं और दोनों तरफ ही वोट करने के लिए लोग खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बुजुर्ग मतदाता मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। डायरी नाम बताइएगा। अनार बाकी वोट डाले आए हस कै बजे ने पहुंचे? अभी तो पहुंचे। हाँ, वोट डाला जरूरी है। हाँ, हाँ। बाबा वोट डाला आपने? हाँ। क्या समझकर वोट डाला, क्या है आपके दिमाग में? जीते नहीं डाले हैं, जिसको भी डाले वो जीत रहा है। हाँ, जीत रहा है, है ना? हारेगा कहाँ दर्द। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि वोट डालना कितना जरूरी है? वोट डाले बिगैर तो कोनो काम है नहीं बने, नहीं बने है? वोट डालना ही चाहिए, जरूरी है। बुढ़िया आपने वोट डाला, पहली बार वोट करने आई है आप? पहली बार वोट करने जा रही हूं। तो क्या है आपके मन? मैं बहुत उत्साहित हूँ इस बार कि मेरा पहला वोट है। पहली बार वोट कर रही है तो 18 साल की हो गई आप जी, तो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कब वोट डालने को मिले जी, तो अभी इस बार वोट डालने को मिल रहा है। कितने बजे लाइन में है आप? हम लोग लगभग अभी थोड़ी देर हुआ है, आधा घंटे से लाइन में है जी। तो वोट डाल के ही जाएंगे जी। अच्छा, जो लोग वोट नहीं डालते उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बोलना चाहूंगी कि हर एक अपना वोट दे ताकि उनको अपना सरकार चुनने का अधिकार है और अपना राय दे। देखिए, सभी की अपनी इच्छाएं होती है कि जो आने वाली सरकार है उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षाएं उपलब्ध कराए और इसलिए मतदान जरूर करें। जी मीडिया की भी अपील है कि लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आहुति प्रदान करें। दुर्गेश सिंह, जी मीडिया, पेंड्रा। रायपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ गया है। यहाँ पर चुनाव आयोग की लापरवाही सामने आई है। अमलीडीही निवासी 42 साल के व्यक्ति को वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया और ये खुलासा तब हुआ जब वो सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल श्याम नगर में वोट डालने के लिए पहुंचा। मतदान कर्मियों ने उसे वोट डालने से मना कर दिया जबकि इसी पोलिंग बूथ पर उसने विधानसभा चुनाव में वोट डाला था। तो आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला है और हैरान करने वाला मामला है कि आखिरकार ये लापरवाही हो कैसे गई और अगर हुई है तो इसे सही करने में इतनी देरी क्यों हो रही है।
कहीं तो किसी को वोट डालने का मौका चाहिए होता है, लेकिन ये कोई वोट डालना नहीं चाहता, कहीं कहीं चुनाव बहिष्कार की तस्वीरें सामने आती है। भिंड की हम तस्वीरें बता देते हैं। गोलीबारी की घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन का कहना कि आपसी विवाद के कारण गोलीबारी की घटना हुई है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वहीं गुना में एक बूथ पर 11 वोट डाले गए हैं और ईवीएम में 50 वोट दिखाए गए हैं। इस खबर को उन्होंने इस खबर का खंडन किया है। में जो एक घटना घटित हुई है गोली चलने की, वो खटीक समाज के दो लोगों के बीच में आपसी उनके रंजिश थी पुरानी, जिसके कारण ये गोली चली है। मतदान केंद्र से करीब 400 मीटर दूर ये गोली चली है। इसका निर्वाचन से कोई संबंध नहीं है, इलेक्शन से कहीं कोई रिलेशन इसका नहीं है। जिनको गोली लगी है उनको ग्वालियर रेफर किया गया है, वहां उनको भर्ती कराया गया है। एक पोस्ट ऐसा नजर में आया है जहां किसी ने किसी को वोट करके और उस बात को ऐलान किया कि मैंने फलां के लिए वोट किया है, ये मतदान की गोपनीयता भंग करने की श्रेणी में आता है और इसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। श्योपुर में पूर्व दस्यु रमेश सिकरवार ने गांव गांव घूमकर लोगों को वोट डालने के लिए उत्साहित किया और लोगों को वोट की ताकत को भी लेकर संदेश दिया। बिल्कुल, और भीषण गर्मी के बीच भी रमेश सिकरवार ने बस्तियों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया है। तो घर घर जाकर ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो संदेश बड़ा सीधा और सरल होता है कि मतदान केंद्र पहुंचिए और अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होकर अपने शक्ति प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि आप कोई शिकायत करते हैं, कोई समस्या बताते हैं, विचार विमर्श करते हैं पब्लिकली या अपने घर पर, तो आज बात सिर्फ जुबानी नहीं रहनी चाहिए, आपके हाथों पर वो वोट की स्याही होनी चाहिए। अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, यही आपकी आज सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल, और ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं पूर्व दस्यु जैसे घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं और जी मीडिया भी आपसे अपील करता है कि अगर आपने अभी तक वोट नहीं दिया है तो घरों से बाहर निकले और अपने अपने मताधिकार का उपयोग करें। का सबसे बड़ा दिन है मतदाता दिवस, जो सबको करना चाहिए, सबका अधिकार है, वो समान अधिकार है। और इसी बीच में हमारे दादाजी श्री रमेश सिंह सिकवारी जी घर घर जाके कम से कम 35-40 गांव में घूमते घूमे मतदाता जागरूक दिवस उनने एक तरह से तैयार किया, हर एक आदमी से मिलना जुलना, उनको जागरूक करना कि मतदान करना अपना अधिकार है, एक 5 साल में एक बार मिलता है, अपनों किसकी सरकार बनाना ये करना ये अपना खुद का एक वो जिम्मेदारी बनती है। मैं कभी 15-20 दिन से गांव गांव में जा रहा हूँ, 25-30 गांव में अपना दौरा लग गया और सबको जागरूक कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ कि अपन लोग अपना अधिकार है कि सरकार चुनना, एक वोट से प्रधानमंत्री बनता है और एक से हार जाता है, इसलिए अपने ये सब काम छोड़ो, पहले वोट दो वोट दो वोट दो, गाँव गाँव में जाके प्रचार ये कर रहे हैं कि वोट दो वोट दो, सब काम छोड़िएगा, अपना अधिकार है, 5 साल में खुद सरकार कोई आदमी ऐसा चुनिएगा तो अपने जी काम देगा, अपने सभी गरीबों कामों करेगा, इसलिए सबको जागरूक कर रहा हूँ गाँव गाँव जाके, वहाँ से वोट दो सब काम छोड़ दो। कोई गले शिकवे ना रह जाए, कोई बात अधूरी ना रह जाए, जनता समझ रही है क्या, मेहमान समझ रहे हैं। चर्चा एक बार फिर से शुरू करते हैं और सीधा मुख करते हैं मध्य प्रदेश के मेहमानों का। छत्तीसगढ़ पर हमने बात की, अब जरा मध्य प्रदेश का आकलन कर लेते हैं। शिवम शुक्ला जी, कुछ बात अधूरी रह गई थी वो पूरी भी कर लीजिए और जरा अपना पक्ष भी रख लीजिए कि इस दावों की जंग में आप क्यों अपने आप को आगे बता रहे हैं। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि अभी आपने बात कही कि बहुत सारे दावे भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो समझने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को पूरी एक रणनीति और तैयारी के साथ लड़ा है। हमने जनता के सामने 10 वर्षों का रोड मैप भी रखा और भविष्य के लिए क्या हम हासिल करने वाले हैं, किन लक्ष्यों को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ेगी, उसका भी रोड मैप जनता के सामने रखा। वहीं कांग्रेस के पास आज भी देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कोई तथ्यात्मक बिंदु नहीं है जिस पर जनता उन पर विश्वास कर सके। कांग्रेस ने विरासत टैक्स जैसा विषय उठाया, कांग्रेस ने एक प्रकार से जो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है उसको पार करते हुए अपना घोषणा पत्र तैयार किया, तो स्वाभाविक तौर पर जनभावना कांग्रेस के विरुद्ध है और उसी को इन चुनाव की जो हम पूरा एक माहौल है उसमें भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जनता का विश्वास किसी भी सूरत हाल में कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। जनता आज प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्व के साथ जुड़ी हुई है। तो एक मिनट बाद कंक्लूड कीजिएगा, चरण में जिन सीटों में मतदान है, एक मिनट बाद कंक्लूड कीजिए। तो देखिए, तो इसी
जी 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 देखिए इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और इन चुनावों में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर अपनी जमानत बचाने के लिए भी आपको संघर्ष करती नजर आएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो जीत का कीर्तिमान स्थापित करेगी वो अपने आप में न भूतो न भविष्यति होगा और अपूर्व जनादेश इस बार जनता ने तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी उनका जवाब देने के लिए है। निश्चित तौर पर उनसे हम जवाब भी ले लेंगे और कुछ और सवाल भी कर लेंगे, लेकिन देवलाल जी आपसे मैं पहले रवि सक्सेना जी बहुत इंतजार कर रहे हैं, मैं चाहता नहीं ज्यादा इंतजार कर रहे हैं वरिष्ठ नेता को, मैं कभी नहीं चाहता कि वो नाराज हो। बिल्कुल पहले उनसे ही फिर बातचीत कर बिल्कुल बिल्कुल रवि सक्सेना जी आपका ऑब्जर्वेशन अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं मतदान प्रतिशत को लेकर। निश्चित रूप से दिव्यांश मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा उत्साहित होने वाले प्रतिशत अभी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने वोट नहीं डाला है उनसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो घर से निकले और जरूर 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 मतदान करें। आप सब मतदान करेंगे तो देश का मुस्तकबिल बदलेगा। जहां तक आपने मतदान प्रतिशत की बात की है, निश्चित रूप से अभी लग रहा है कि लोगों के अंदर मतदान करने के प्रति उत्साह नहीं, और मुझे लगता है कि ये उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि 10 साल से देश की जनता केवल जुमलेबाजी सुन रही थी। 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, बुलेट ट्रेन, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स, एक भी चीज ने धरातल पर आकार नहीं दिया और अब जुमले का नाम बदलकर गारंटी कर दिया गया। अब गारंटी 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 की बात हो रही है और ये गारंटी शब्द आया कहां से आपको बताऊं, ये गारंटी शब्द आया कांग्रेस पार्टी से। जब हम कर्नाटक चुनाव में गए तो हमने 4 गारंटियां दी थी और सरकार बनने के बाद उनको लागू किया। वही काम हमने हिमाचल में किया, वही हमने तेलंगाना में किया और हमारी गारंटियों की सफलता और उसको तत्काल लागू करने से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जुमले का नाम बदलकर गारंटी कर दिया। पर इस देश की जनता किसी पर एक बार तो विश्वास कर सकती है, 2 बार कर सकती है, पर काट की हांडी बार बार नहीं। रवि जी रिक्वेस्ट 30 सेकंड्स पे बात कंक्लूड कीजिए अपनी प्लीज। जी हाँ 30 सेकंड्स पे अपनी बात कंक्लूड कीजिए। आपकी बात मेरी आपसे गुजारिश है कि 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए और मेहमानों के पास भी जाना है जरा। निश्चित रूप से आज जो मतदान हो रहा है वो सरकार बदलने के लिए मतदान हो रहा है, इस देश में संविधान बचाने के लिए मतदान हो रहा है, इस देश में आरक्षण बचाने के लिए हो रहा है और इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा बोलापन है उस पर विराम लग जाएगा। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय शाइनिंग इंडिया का भांडा फूटा था, उसी तरह से ये मोदी जी की गारंटियों का भांडा फूट जाएगा। ठीक चलिए लौटते हैं आपके पास। मैं छत्तीसगढ़ बीजेपी से देवलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवलाल जी देखिए लगातार कांग्रेस ये कहती है कि भांडा फूट जाएगा और ये वही वक्त चल रहा है कि जनता वो भांडा फोड़ कर अपने मत अधिकार का उपयोग करेगी और एक कड़ा जवाब देगी। देखिए मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी है और एक कांग्रेस के लोगों को लज्जा नहीं आती, इनकी विश्वसनीयता देश में खो चुकी है, देश के लोग इनके ऊपर विश्वास करना बंद कर चुके हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस के लोग विगत पूर्व के कई चुनावों में देख भी चुके हैं कि देश की जनता ने अपना भरोसा कांग्रेस से उठा चुकी है। अब जो देश की जनता है वो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प यात्रा में शामिल होना चाहती है, उनके साथ आगे बढ़ना चाहती है, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ना चाहती है और निश्चित ही भारत देश की जनता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है जो आने वाले समय में 4 जून में 400 के पार हम देखेंगे भी, इस परिदृश्य को सारा देश देखेगा और ये कांग्रेस के लोगों के पास अब कहने सुनने बचाने के लिए कुछ नहीं रह गया है, इनकी बातों पर देश की जनता ने विश्वास करना बंद कर चुका है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी क्या काउंटर करना चाहेंगे? कोमल जी भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता से यही पूछना चाहूंगा कि भाजपा के 9 सांसद किए थे छत्तीसगढ़ में, 11 में 9 सांसद भाजपा के,
इन्होंने एक एक गांव गोद लिया था, एक ढेला भी रखाया उन गांवों में, तो ये बता दें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की निष्क्रियता के चलते जो उपेक्षा भोगना पड़ा छत्तीसगढ़ की जनता को, तो आज जनता का समय है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में जो प्रमुख मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी से तो पूरे देश की जनता पीड़ित है, उसके साथ छत्तीसगढ़ के साथ जो अत्याचार हुए, जो आरक्षण जो सर्वहारी वर्ग का है, 95% जनता जिसे कुमारित होती है, 1.5 साल से राजभवन में रोका गया है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजनीतिक नौटंकी करते हैं, वहां पाखंड करके समर्थन जताया और सर्वसम्मति से पारित विधेयक को पिछले 1.5 साल से राजभवन में रोका गया है। वन अधिकार में संशोधन करके आदिवासी हितों की उपेक्षा की गई, जिस प्रकार से नंदराज पर्वत अपने पूंजीपति मित्र को दिए, NMDC का नगरनार प्लांट आज दीपम की साइड पे लगा के रखे हैं, तो ये जनता अब तय कर ली है कि इनके जुमलेबाजी से, इनकी वादा खिलाफी से दंग जनता जो है अब जवाब देने के लिए बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। दूसरी बात जो सरस्वती स्कूल का मामला है, पुरानी बस्ती वार्ड है जहां से ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो मंत्री हैं और जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो उनका क्षेत्र है, और वहां पर जिस तरह से अनिल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी ने कहा कि उसका विरोध नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसी चीजों का विरोध नहीं करती। हमने जिला अधिकारी को, जिला निर्वाचन अधिकारी को 2 दिन पहले जो सदियों के षड्यंत्र के चलते प्रशासनिक दबाव में जो एक सूची जारी की गई थी कि ये रहेंगे उसमें, उसका विरोध किया। आज जो विवाद की स्थिति बनी वहां पर कोई NCC या NSS का कैंडिडेट नहीं था, महिला बाल विकास के कर्मचारी और कलेक्टर के अधीन जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है उनके माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने की शिकायत मतदाताओं ने की, और उसके चलते आपके लोकप्रिय चैनल के वहां पर संवाददाता भी थे, इस बात की तस्दीक कर लीजिए कि जिस तरह से डर का माहौल है भाजपा के नेताओं में, भाजपा के नेता भी अब मान चुके हैं, और जो पदावासी में जो मुख्यमंत्री जी का बयान है जी शर्मा जी, तो आज वहां पर आज तस्दीक जनता करेगी, आज पत्रकार तस्दीक नहीं करेंगे, आज नेता तस्दीक नहीं करेंगे, आज जनता तस्दीक करेगी, बस जनता जनार्दन के हाथों में आप लोगों की किस्मत है। आज अपने कार्यकाल में तो बताने के लिए इनके पास जुमलेबाजी और झूठ के अलावा कुछ नहीं है, वादा खिलाफी का जवाब दे। जरा वरिष्ठ पत्रकार से आकलन ले लेते हैं आपके जो आरोप हैं। अनिल द्विवेदी जी, सियासत की लड़ाई में सिंहासन पर काबिज होने के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जीत पक्की हमारी है, इन शब्दों के साथ आखिरी दम तक लड़ाई जारी रहती है। ये पहले भी होता आया है, ये अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में जिन 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिन चेहरों को उतारा गया है बीजेपी और कांग्रेस के, चेहरों की लड़ाई कितनी प्रमुखता से एक फैक्टर रहेगी, क्योंकि लड़ाई तो असल में दिल्ली की है। देखिए, पहले तो सब बात कर दूं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा मेरा पिछला बयान देख सकते हैं, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया था, मैंने दोनों राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया था। आप चाहें तो उनको मेरा बयान फिर से दिखा दीजिएगा। नहीं, मैं साक्षी हूं, आपने नाम किसी का नहीं, आदर्श लोकतंत्र की पहचान मैं क्या है? कर देता हूं, आपने नाम किसी का नहीं लिया था, मैंने पूछा भी था, आपने मना कर दिया था, मैं किसी पार्टी का नाम बिल्कुल मैंने नाम नहीं लिया था। सुरेंद्र वर्मा क्यों ऐसा बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है अनिल जी, वो कह रहे हैं कि उनका किसी और संदर्भ में वो बयान था, वो आपके बयान के संदर्भ में नहीं था। इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, आगे बढ़ के मेरे मित्र हैं वो, हम लोग बैठे रहते हैं, मेरे मित्र हैं वो, हम लोग बैठते रहते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आदर्श लोकतंत्र की पहचान क्या है, वो ये है कि वो अपने बारे में सोचने की बजाय भविष्य के बारे में सोचे। और छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन इलाके ऐसे हैं जहां पर इस बार मतदान का बहिष्कार वहां के नागरिकों ने किया है, और ये क्यों किया है, क्योंकि उन्हें जल जंगल जमीन की चिंता है, उन्हें आने वाली पीढ़ी की चिंता है। मेरा सवाल है कि लोकतंत्र, लोकसभा के चुनावों में जल जंगल जमीन बचाने के मुद्दे कब उठेंगे। मैं रायपुर की बात करता हूं, रायपुर नगर निगम ने एक नियम बनाया कि जितने भी नए मकान बनेंगे वो अपने घर में 5 पेड़ लगाएंगे, किसी भी नागरिकों ने उसका पालन नहीं किया, आज भी 5 पेड़ नहीं लगते लेकिन मकान पूरा बन जाता है। नदियां देखिए, छत्तीसगढ़ में नदियां सूखी पड़ी हैं, महानदी का हाल यह है कि वहां पर पानी नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, आदिवासी लोग झिरिया का पानी पी करके जैसे तैसे समय काट रहे, हम पानी नहीं पहुंचा पा रहे। छत्तीसगढ़ के जंगल जो है वो अवैध खनन के भेंट चढ़ते जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं, हवा जहरीली हो चुकी है, औद्योगिक पर्यावरण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप स्वस्थ सांस नहीं ले सकते। मैं बताऊं आपको कि अदानी का जो मामला था रायगढ़ में, जिस तरह का बहिष्कार कर रहे हैं, वो किससे नाराज है, वो किससे नाराज है, ये सवाल बड़ा आधा अधूरा सा लगता है।
क्योंकि अगर वो नाराज एक पक्ष से हैं तो फिर दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं, नाराजगी तो सबसे है ना इसका मतलब। कोमल एमपी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ रवि सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पहले एक टिप्पणी ले लेती हूँ कि रवि जी कई जगह जैसे कि दिव्यांश बता रहे हैं कि चुनाव बहिष्कार किए जाते हैं, तो वो नाराज हैं तो आखिर किससे? क्योंकि आप कहते हैं कि जनता हमसे प्यार करती है और इस बार वो बदलाव चाह रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई लाखों लोग हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे गांव हैं जिन्होंने चुनाव बहिष्कार कर दिया है, और ऐसे में क्या वजह मानते हैं आप? देखिए कोमल, मैं केवल एक बात कह सकता हूँ कि आज 10 साल बाद भी अगर मोदी जी मंगलसूत्र पर भेष पर चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। जो अभी कहा गया कि आदिवासी चाहता है उसे जल जंगल और जमीन पर अधिकार मिले, आज युवा चाहता है कि उसे रोजगार मिले, जनता चाहती है कि जो महंगाई सुस्सा की आंख की तरह बढ़ गई है वो कम हो, भ्रष्टाचार वो खत्म हो, आज इन सब बातों पर चुनाव होना चाहिए। और चुनाव हो क्या रहा है? मंगलसूत्र पे, भेष पे, हिंदू पे, मुसलमान पे, शमशान पे, कब्रिस्तान पे, ये क्या है? आप इस देश का मुस्तकबिल क्या बनाना चाहते हैं? आप इस देश का भाग्य क्या गढ़ना चाहते हैं? आप अर्थव्यवस्था पे बात करने को तैयार नहीं, आप गरीबी पे बात नहीं करना चाहते, 80 करोड़ जनता जिस देश की 5 किलो अनाज पर अवलंबित हो और आप कहते हैं कि हमने विकसित भारत बना देंगे। ठीक है, ठीक है शिवम, शिवम जी, कांग्रेस कांग्रेस का आरोप है कि लड़ाई हार जीत के लिए है, जीत के लिए आप कुछ भी करेंगे, मुद्दों की लड़ाई नहीं है ये। आप मुझे बताएं। नहीं रवि जी, शिवम भाई एक मिनट दे देते हैं उन्हें जल्दी से। दिव्यांश जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है इस चीज में, खान पान को इस चुनाव में कौन लेकर के आया, कौन अपने घोषणा पत्र में कहता है कि हम खाना खाने की आजादी देंगे, पहनने की स्वतंत्रता देंगे, अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष तौर पर देंगे, या कांग्रेस अपने वचन पत्र में लेकर के आई? भारतीय जनता पार्टी ने यह विषय नहीं उठाया, हमने इसका विरोध किया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 80 करोड़ लोगों को राशन देना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है? अगर आज हमारा किसान सक्षमता के साथ इस देश में पर्याप्त पैदावार कर रहा है और सरकार के पास जो अन्न भंडार है वो भरे हुए हैं, तो क्या देश की गरीब जनता को? ठीक है, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मतदान का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है कोमल। निश्चित तौर पर, और देखिए मतदान चलेगा 6 बजे तक, अभी भी जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है उनसे अपील है कि वो जाएं और अपने मताधिकार का उपयोग करें। और यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, सभी मेहमान बने रहेंगे हमारे साथ, चर्चा करेंगे आगे भी। चलिए रुको, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।